हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी बिल्ड मेनिया। आज हम लोग मात्र 8000 रुपए में गेमिंग पीसी, मेरा मतलब भाई नॉर्मल पीसी हम लोग बिल्ड करने वाले, गेमिंग पीसी नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग अगर इस पीसी में एक ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड कर दे तो ये एक प्रॉपर गेमिंग पीसी बन जाएगा। आप लोग GTA 5 जैसी गेम्स हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पर इजिली इस पीसी के साथ में खेल सकते हो। फिलहाल हम लोग ग्राफिक्स कार्ड ऐड नहीं करने वाले हैं, 8000 के बजट में भाई क्या ही लोगे। लेकिन स्टिल ये पीसी काफी पावरफुल होने वाला है। कैसा परफॉर्मेंस करेगा प्रीमियर प्रो एंड GTA 5 भी हम लोग बिना ग्राफिक्स कार्ड के टेस्ट करेंगे इस पीसी पर आने वाली वीडियोज में। फिलहाल तो इस पीसी को बिल्ड करने वाले हैं इस वीडियो में, तो भाई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। एंड हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, अपना पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमने पार्ट्स बाय किए हैं इसके मोस्टली पार्ट्स हम लोगों ने ऑनलाइन बाय किए हैं अमेज़न से, तो ये काफी अच्छी बात है। एंड हम लोगों को ये ऑफलाइन से भी सस्ते पड़े हैं भाई, मतलब ऑफलाइन में जो प्राइस है उससे भी सस्ता हम लोगों को अमेज़न पर मिल गया। कैसे मिल गया वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हम लोगों ने भाई यहां पर इसको एक कॉम्बो डील में बाय किया है अमेज़न पर। ये कॉम्बो डील काफी ज्यादा चल रही है अभी 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन के प्रोसेसर पर। तो हम लोगों ने यहां पर i5 4th जनरेशन का एक कॉम्बो बाय किया है, जिसमें हम लोगों को i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर, का मदरबोर्ड एंड रैम हम लोगों को 8GB देखने को मिलती है, एंड हम लोगों को CPU कूलर देखने को मिल जाता है इस कॉम्बो में। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा 4700 रुपीज़ का। हालांकि मैंने इसको एक हफ्ते पहले ऑर्डर किया था एंड अभी ये आज की डेट में आया है, एंड आज भाई इसका प्राइस 5200 रुपीज़ हो चुका है अमेज़न पर। बट ये प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। मैंने भी 5-6 दिन वेट किया था जब 4700 प्राइस हो गया था, उस वक्त मैंने खरीदा एंड उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया प्राइस। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, नज़र रखनी होगी कॉम्बो डील पर, एंड आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। एंड एक और अमेज़न पर अभी 4900 रुपीज के अराउंड में आप लोगों को i5 3rd जनरेशन मिला है, लेकिन उसमें आप लोगों को 16GB रैम देखने को मिल रही है। अब भाई 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन की परफॉर्मेंस में इतना फर्क नहीं है, तो क्यों हम लोगों ने वो 16GB रैम वाला कॉम्बो छोड़ दिया एंड 8GB रैम वाला कॉम्बो बाय कर लिया i5 4th जनरेशन के साथ में, उसका रीजन आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। उसका मेन रीजन इसका मदरबोर्ड है। अब क्यों है भाई वो हम लोग अभी इस मदरबोर्ड को ओपन करेंगे, देन आप लोगों को मैं बता दूंगा। एंड काफी एक बड़ा रीजन है, तो बहुत लोग इसको ही प्रेफर करेंगे उसको सुनने के बाद। तो चलो भाई फटाफट से हम लोग अपना कॉम्बो देख लेते हैं, हम लोगों को इस कॉम्बो में क्या क्या देखने को मिलता है। ओके, तो जब ये कॉम्बो मेरे पास आया था ना भाई, पहले तो मैं बहुत खुश हो गया था इसको देख करके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो भाई क्या लिखा हुआ है इस बॉक्स में, i5 10th जनरेशन। लेकिन भाई ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर था ही नहीं। मुझे लगा था भाई गलती से i5 10th जनरेशन भेज दिया होगा शॉपकीपर ने, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर हम लोगों को CPU कूलर मिल रहा था इस बॉक्स में, प्रोसेसर इस बॉक्स में नहीं था, तो ज्यादा देर हमारी खुशी टिकी नहीं। एंड दूसरा बॉक्स जो हम लोगों को ये देखने को मिलता है, ये था मदरबोर्ड का बॉक्स, ये पहले से ओपन था। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो जो इस कॉम्बो में लिखी हुई थी, तो इसी बॉक्स के अंदर सारी चीजें रखकर आई थी। लेकिन भाई पैकेजिंग यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज थी, हालांकि कंपोनेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन भाई पैकेजिंग यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ज्यादा डैमेज थी। ये सिर्फ ये दो बॉक्स रखकर आए थे इस तरह से, एंड यहाँ पर बबल रैप चढ़ा हुआ था, दैट्स इट। इस वजह से आप लोग देख सकते हैं बॉक्स की क्या हालत हो रखी है। हालांकि कंपोनेंट हमारे सही हैं, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस मदरबोर्ड के बॉक्स में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक CPU देखने को मिला था, जो था हमारा i5 4th जनरेशन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सील्ड पैक है, एंड ये रिफर्बिश्ड CPU होता है। CPU i5 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के न्यू नहीं आते हैं, आप लोगों को रिफर्बिश्ड ही मिलते हैं। अगर कोई शॉपकीपर बोल रहा है कि ये न्यू है, तो न्यू नहीं होते भाई, ये रिफर्बिश्ड ही होते हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर वारंटी हमको मिल जाती है सेलर के द्वारा। तो ये हमारा प्रोसेसर बिल्कुल ही सील पैक, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। दूसरी चीज़ थी हमारी रैम, ये भी बिल्कुल सील पैक आई थी, एंड ये 8GB की हम लोगों को रैम देखने को मिलती है जियोनिक्स कंपनी की। पता नहीं भाई कौन सी कंपनी है, लेकिन ये जियोनिक्स कंसिस्टेंट भाई सस्ते में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनियाँ हैं, तो चलो भाई अच्छी बात है। हम लोगों को यहाँ पर 5 ईयर्स की वारंटी भी देखने को मिल रही है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम लोगों के सेटा केबल एंड ये आईओ शील्ड जो कि मदरबोर्ड के बॉक्स में आती है, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। इसको भी बाहर निकालते हैं। एंड लास्टली हमारा ये मदरबोर्ड, अच्छा यहाँ पर एक CD भी है तो छुपी रुस्ता में, लेकिन इसका कोई काम तो है नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मदरबोर्ड को निकालते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये जो सील थी ये बिल्कुल ही लगी आई थी मदरबोर्ड की, मैंने निकाली है क्योंकि भाई मुझे चेक करना था कि मदरबोर्ड डैमेज तो नहीं है। तो ये अच्छी बात है भाई, यहाँ पर सील लगकर आई थी, मतलब ये मदरबोर्ड न्यू है, हमारा ओल्ड नहीं था। तो सारी चीज़ें हमारी सील्ड पैक आई थी, ये कॉम्बो के बारे में अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कॉम्बोज यहाँ पर प्री असेंबल्ड आते हैं, तो उनमें पता करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो न्यू है, ओल्ड है, रिफर्बिश्ड है, कैसा है, तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आ पाता है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर सारी कंपोनेंट में सील लगकर आई थी। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड भाई कंसिस्टेंट का, यहाँ पर देख सकते हैं क्या ही चमचमा रहा है हमारा मदरबोर्ड। एंड हम लोगों को यहाँ पर इस मदरबोर्ड में NVMe का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आप लोगों को वो रीज़न बता देता हूँ जिस रीज़न से हम लोगों ने i5 4th जनरेशन खरीदा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड की वजह से हमने इसको खरीदा है। तो इसका भाई दो मेन रीज़न है। सबसे पहला तो आप लोग इस मदरबोर्ड में देख सकते हैं, हम लोगों के यहाँ पर USB 3.0 के दो पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, i5 3rd जनरेशन के मदरबोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं।
दूसरा हम लोगों को यहाँ पर एक सेटा 3.0 का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, वो भी आप लोगों को थर्ड जनरेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये दो रीजन है एंड ये बहुत बड़े रीजन है, क्योंकि भाई सेटा 3.0 है ना, अगर आपकी SSD 400 MB/s वाली है ना, तो आपकी 400 MB/s वाली सेटा 3.0 में ही अच्छे से काम करेगी। इसी पोर्ट में वो 400 MB/s देगी। अगर आप 2.0 वाले में लगा देंगे ना, तो वो आधी स्पीड देगी, एग्जैक्टली आधी स्पीड देती है। तो ये भी भाई काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड बाकी USB 3.0 तो हमको देखने को मिल ही रहा है। अगर आपको 3.0 या फिर सेटा 3.0 से कोई मतलब नहीं है, स्पीड से आपको उतना कोई मतलब नहीं है, हार्ड ड्राइव की या फिर पेन ड्राइव की, तो आप लोग यहाँ पर थर्ड जनरेशन वाला भी बाय कर सकते हैं 16 GB रैम के साथ में। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला मदरबोर्ड आप लोग ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 4th generation का CPU मिल जाता है। तो आप लोग इसको 5th generation पे अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, क्योंकि ये 5th generation को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो हमने कॉम्बो में से सारी सामग्री निकाल ली है, चलो भाई इसको असेंबल करते हैं। देन हम लोग कैबिनेट, पावर सप्लाई एंड स्टोरेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हमारा ये रहा प्रोसेसर, यहाँ पर i5 4th generation, यहाँ पर एक ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए भाई क्या ही तगड़ी पैकेजिंग में यहाँ पर हमारा CPU रखकर आया है। एंड ये रहा हमारा CPU, एंड अब हम लोगों को इसको इस पर मदरबोर्ड पर लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मदरबोर्ड पर इस तरह से पिन को बाहर निकालना है एंड इसको आपको ओपन करना है। अच्छी बात यह है भाई, 3rd generation और 4th generation में ना ये इसी तरह से यहाँ पर ईजिली ओपन हो जाता है, लेकिन नए मदरबोर्ड में इस तरह से ओपन नहीं होता है। तो आप लोगों को इस लिड को रिमूव करना है एंड ये रहा हमारा CPU सॉकेट। एंड आप लोगों को ये ट्राइंगल से मैच करना है इस वाले पार्ट को एंड यहाँ पर आप लोगों को इसको रख देना है। ईजिली हमारा CPU बैठ जाएगा, आपको इस तरह से करना है एंड आप लोगों को टाइटली इस तरह से लगा देना है अपने प्रोसेसर को। तो भाई हमारा प्रोसेसर लग चुका है, अब हम लोग अपना CPU फैन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में हम लोगों को CPU फैन देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप लोग, इंटेल का स्टॉक कूलर है। तो भाई इसको भी हम लोग जल्दी से ओपन करते हैं। एंड थर्मल पेस्ट आप लोग देखिए प्री अप्लाइड है, मतलब ये स्टॉक कूलर भी भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू था हमारे इंटेल का। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये CPU कूलर हमारा अच्छे से लॉक हो चुका है। एंड ये पार्ट भाई आप लोगों को बड़े ध्यान से करना है, अगर CPU कूलर हमारा लॉक नहीं होगा तो हमारा जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा हीट होगा एंड डैमेज भी हो सकता है। तो इस काम को आपको बड़े ही ध्यान से करना है एंड ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है CPU कूलर पर, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये पिन भी हम लोगों ने लगा दी है, ये हमारा CPU कूलर हमारे मदरबोर्ड में लग चुका है। अब हम लोग अपनी रैम को भी ओपन कर लेते हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ही सील्ड पैक है। तो इसको भी भाई देसी तरह से हम लोग ओपन कर देते हैं एंड हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अच्छे से प्रेशर देने के लिए आप लोग इस फोम पर यहाँ पर फ्लैट सरफेस पर इसको रख लीजिए, बॉक्स पर आप लोग अच्छे से प्रेशर यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। एंड आप लोग जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर ये कट का साउंड आएगा एंड हमारा ये जो रैम है अच्छे से लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारी रैम यहाँ पर अच्छे से लग चुकी है, ये अच्छे से लॉक हो चुके हैं। ओके भाई, तो अपना कॉम्बो सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज हम लोग यहाँ पर NVMe SSD लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे मदरबोर्ड में NVMe SSD का स्लॉट है, लेकिन भाई फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है NVMe SSD, बिकॉज मैं यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में गया था, वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे एंड लोकल ब्रांड्स की SSDs मिल रही थी। मुझे चाहिए थे WD की SSD, बिकॉज स्टोरेज के मामले में भाई डेटा लॉस हो सकता है अगर आप लोग लोकल SSD या फिर लोकल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। तो भाई मैं WD या फिर अच्छे ही ब्रांड की आप लोगों को SSD प्रेफर करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से WD ग्रीन या फिर WD ब्लू आप लोग कोई भी SSD ले सकते हो। फिलहाल हमारे जो 8000 के बजट में आती है वो आती है 240 GB की, ये बॉक्स भाई 480 GB का एंड ये बॉक्स है भाई खाली है। आप लोग ऑफलाइन मार्केट में 1300 रुपीज में 240 GB WD ग्रीन ले सकते हैं, आप लोगों को इजीली मिल जाएगी एंड वो SSD भाई काफी अच्छी होती है। तो भाई फिलहाल मेरे पास NVMe SSD अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं एंड हम लोग यहाँ पर सेटा SSD यूज करने वाले हैं। ये रही भाई GigaByte की 240 GB की सेटा SSD है, इसको मैं काफी ज्यादा टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यही रिकमेंडेड रहता भाई, अच्छे ब्रांड की यूज करो। तो ये रही भाई हमारी GigaByte की 240 GB की सेटा SSD, अभी हम लोग फिलहाल इसी को यूज़ करने वाले हैं, बाकी फ्यूचर में हम लोग इसमें NVMe SSD को भी अपग्रेड करेंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करिए भाई, हम लोग NVMe SSD इसमें ज़रूर अपग्रेड करेंगे एंड स्पीड भी इसकी टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इसी SSD को यहाँ पर लगाने वाले हैं, बाकी एक हार्ड ड्राइव भी मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है WD की एंड आप लोग देख सकते हैं भाई ये 15 साल पुराने PC की हार्ड ड्राइव है एंड ये अभी तक चल रही है, इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ एक अच्छा ब्रांड आप लोगों को ज्यादा समय तक चलाकर दे सकता है हार्ड ड्राइव। अब बात करते हैं हम लोग कैबिनेट एंड पावर सप्लाई के बारे में। तो ये दोनों चीजें मेरे पास ऑलरेडी एक Pentium डुअल कोर वाला PC था, 2 GB रैम वाला, आप लोगों को ध्यान होगा, तो उसी का हम लोग कैबिनेट एंड पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं। क्योंकि भाई अगर आप लोग आज की डेट में मार्केट में 1000 रुपए का कैबिनेट लेने जाते हो तो वो काफी चीप क्वालिटी का होता है,
काफी हल्का होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्टर्डी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट है। अगर आप लोग आज की डेट में इस तरह का कैबिनेट लेते हैं तो आप लोगों को लगभग 2000 रुपए का देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो भाई काफी अच्छे क्वालिटी का कैबिनेट है, काफी अच्छे क्वालिटी की पावर सप्लाई हम लोगों को इस पीसी में देखने को मिलती है। तो भाई जो पुराने कंपोनेंट इस पीसी में लगे हुए थे आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने इनको निकाल लिया है। अब हम लोग अपना जो न्यू वाला कॉम्बो है वो इस पीसी में लगाने वाले हैं। आप लोग 1000 रुपीज का एक कैबिनेट ले सकते हैं, 1000 रुपीज की आप लोग एक पावर सप्लाई ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई लेनी है। वैसे पावर सप्लाई 500 रुपए में भी आते हैं, 400-500 वाट, बट वो एक्चुअली भाई 300 वाट भी सही से नहीं दे पाती आउटपुट। तो भाई बहुत ही घटिया क्वालिटी की पावर सप्लाई होती है, एकदम टीन का डब्बा होता है भाई ये पावर सप्लाई। आप लोग देख रहे हो ये जो पावर सप्लाई है ना, काफ़ी स्टडी पावर सप्लाई है। तो आप लोगों को इस तरह की अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई बाई करनी है, आप लोगों को वो 400-500 वाली पावर सप्लाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं भाई उन पावर सप्लाईज को यूज़ कर चुका हूँ, बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती है एंड बर्निंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक बार तो भाई मदरबोर्ड ही जल गया था। तो आप लोगों को भाई एक 400-500 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोगों को सस्ती पावर सप्लाई बाई नहीं करनी है और अपना मदरबोर्ड नहीं फुकवाना है। तो आप लोगों को 1000 रुपये में 300 वाट यहाँ पर एनटेक या फिर एंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिल जाती है। वो पावर सप्लाई 400-500 वाली पावर सप्लाई से थोड़ी बेटर होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग वही यूज़ करें। आप चाहें तो और अच्छी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग 80+ ब्रॉन्ज अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। आप लोगों को 2500 रुपये में 450 वाट लगभग देखने को मिलती है, तो उस पर तो भाई काफ़ी ज़्यादा बजट चला जाएगा। तो रेकमेंडेड यही है 1000 वाली आप लोग एनटेक या फिर एंट ईस्पोर्ट्स की एटलीस्ट लगा लें, वो भाई 400-500 वाली से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो वही आप लोग पावर सप्लाई को यूज़ करें। तो सारे कंपोनेंट्स का प्राइस अगर आप लोग मिलाएंगे NVMe SSD जो 240 GB है उसके साथ में, तो लगभग आप लोगों का ये 8000 में कंप्लीट पीसी रेडी हो जाएगा। तो चलो भाई हम लोग फिलहाल अपना पीसी जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। तो ये रहा भाई हमारा कैबिनेट। ओके, तो अपना पीसी असेंबल हो चुका है, अब भाई ये बारी है इसको ऑन करने की। तो चलो भाई 1, 2 एंड 3। ओके गाइस, तो अपने पीसी ने फर्स्ट बूट ले चुका है एंड हम लोगों ने इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल कर रखी है। तो भाई चलो इसको भी हम लोग बूट कर लेते हैं जल्दी से एंड देख सकते हैं आप लोग हमारा पीसी सक्सेसफुली यहां पर बूट हो चुका है। प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग जाते हैं काफी जल्दी यहां पर ओपन हो रहा है एंड काफी अच्छे से स्मूथली वर्क कर रहा है। एंड प्रॉपर्टीज में आप लोग यहां पर चेकआउट कर सकते हैं i5 4460, यहां पर i5 4th generation है, 8GB हम लोगों के यहां पर रैम दिखा रहा है। ओके, तो अपना पीसी सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है एंड यहां पर वर्क करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग इस पर काफी सारी टेस्टिंग भी करने वाले हैं वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, तो उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पीसी पर हम लोग GTA 5 भी टेस्ट करने वाले हैं विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, तो भाई वो भी एक अलग ही मजा होने वाला है। तो चलो भाई वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो।